जहाँ तक अरुण जेटली जी का प्रश्न है, सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर यह कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है, और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। विद्यार्थी परिषद का एक विद्यार्थी नेता के रूप में अंग्रेजी और हिंदी में प्रखर वक्तृत्व के आधार पर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की, वो मैंने नज़दीक से देखी। देश में चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुख्य वकील के रूप में वो भाजपा में होने के बाद भी उन्होंने उनका चयन किया था। देश के नामवंत वकीलों में पहले 2-3 लोगों में उनका नाम था। उनको आर्गुमेंट करने की एक उपजत कला उनमें थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी को लगातार विस्तार करने में उनके कार्यकर्तृत्व में उनका बहुत बड़ा योगदान था। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का मैं जब अध्यक्ष था, 3 साल में अनेक प्रसंग, समस्या, संकटों पर उनसे सलाह लेकर मैं काम करता था। पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित ऐसा उनका व्यक्तित्व था। विशेष रूप से उन्होंने किए हुए भाषण लोकसभा में, राज्यसभा में ये लोग याद रखेंगे। उनका जाना हम सबके लिए, हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, पार्टी की, सामाजिक, सरकार की, राष्ट्रीय ऐसी हानि है। आज एक प्रकार से वो हमको छोड़कर चले गए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं था जिस पर जेटली जी पूरे अधिकार के साथ ना बोल सकते हों। देश और दुनिया के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी उनसे राय लेती थी। संसद हो, संसद के बाहर हो, पार्टी के या सरकार के बाद सरकार के पक्ष को रखना होता था तो जेटली जी से बेहतर कोई प्रवक्ता मिलता नहीं था। अरुण जेटली जी का व्यक्तित्व मृदुभाषी, व्यवहार से मधुर, सबको साथ ले चलने की ताकत, पार्टी जब भी संकट में होती थी और सरकार को हमेशा एक संकट मोचक के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित होकर के उन्होंने देश की सेवा की और पार्टी की सेवा की। उनके मृदु व्यवहार के कारण आज उनके बहुत से दोस्त जो विभिन्न पार्टियों में हैं वह भी शोकाकुल हैं, और हम जानते हैं उनका व्यक्तित्व, उनका बौद्धिक स्तर, और जिस बौद्धिक स्तर के दृष्टि से उन्होंने जो पार्लियामेंट में और सरकार में देश को दिया है और देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, देश सदा सदा उन्हें याद रखेगा। अरुण जी के साथ हमने 40 साल से अधिक समय काम किया था, विद्यार्थी परिषद के समय से। जितनी उनकी बौद्धिक प्रतिभा थी, जितनी उनमें क्षमता थी, बड़े वकील थे, बड़े सांसद थे, योग्य मंत्री थे और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। 67 साल को जाने की उम्र तो होती नहीं, 66 साल। तो हम बहुत दुखी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरे लिए तो एक प्रकार से व्यक्तिगत लॉस है। मैं क्या बोलूं, श्रद्धांजलि। शुभचिंतक गण हैं, उन सबको इस दुख को सहने की क्षमता दें, संबल दें, इस बात की प्रार्थना करता हूँ। देखिए, मैं अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना रहा हूँ
और अपने प्रदेशवासियों की तरफ ओर से अरुण जी को श्रद्धांजलि दूंगा, क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते थे और इसलिए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। हजारों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए जो पार्टी को लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते रहेंगे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। उनके परिवार में उनकी जो पत्नी है वो भी आजकल कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही हैं, बच्चे हैं, उनको ईश्वर इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। उनके नेतृत्व की आज देश को ज़रूरत थी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर देश इतनी ऊंचाइयाँ छू रहा है, वहाँ पर असमय जेटली जी का जाना देश के लिए भी बड़ा नुकसान है और हमारे दल के लिए भी बड़ा नुकसान है। उनकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है और छात्र जीवन से लेकर अब तक जो उनकी यात्रा रही है वो उनके व्यक्तित्व को चारों तरफ दिखाती है कि वो कितने प्रतिभावान थे। व्यक्तिगत रूप में ये एक हम लोग के एक अभिभावक हराए, एक नेता हराए, एक देश की मूल विचारक और मार्गदर्शन को हराए। मैं ईश्वर के पास प्रार्थना करूंगा जेटली साहब को अपने पास लें और इस संकट की घड़ी में उनकी परिवार और आत्मीयजनों को साहस दे। Not only a colleague, he was our mentor, he was our guide, and to me personally he was much more than I can describe in words. He had always cared for us, for his juniors, and as far as Jammu and Kashmir is concerned, he'd been looking after the state for a number of years. And what a providential coincidence that the last blog he wrote was on the abrogation of Article 370.